नेपाल के सबसे शानदार शहर का नज़ारा इस तरह है। तो देख सकते हैं क्या शहर है, क्या लग्जरीपन है। आप जिस तरह दुबई, अमेरिका, यूएई में देखेंगे, वैसे ही आपको नेपाल में देखने को मिलेगा यह शहर। आज हम आ चुके हैं पोखरा सिटी, जो अतुलनीय नज़ारों का भंडार है। और यहाँ के अच्छे अच्छे होटलें और बढ़िया सोसाइटी जो पर्यटकों को काफ़ी आनंद और अच्छा फील कराती है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार होटलें दिख रही हैं। आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है और काफ़ी शानदार नज़ारा है, काफ़ी सब खाली खाली दिख रहा है। और रात में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है यहाँ कि आप देखकर हक्का बक्का हो जाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह का माहौल है। हम इस समय सिटी के बीच में हैं और सुबह का टाइम है और सभी दुकानें बंद हैं और काफ़ी बड़ी सिटी है। आप यहाँ आए और यह पर्यटकों के लिए ही बना है और आपको हर चीज़ का मज़ा यहाँ पर मिलेगा। दारू से लेकर ऐशबाजी तक का व्यवस्था यहाँ पर है और आप एक बार ज़रूर आएँ। रात में आपको यहाँ पूरे राति रंगीन दिखेंगी और एक से बढ़ के एक लग्जरी होटलें यहाँ पर तैनात हैं। और सुबह के टाइम अब हम इस समय पोखरा जा रहे हैं, जो पोखरा के नाम से मशहूर है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ यह पोखरा शहर जो पहाड़ों में बसा हुआ है और आपको परोंतित कराता है और नेपाल का पूरा नाक है जो पोखरा शहर। देख सकते हैं सामने कितना बड़ा पहाड़ है और हम ये पोखरा शहर पूरा पहाड़ पर ही बसा है और जो काफ़ी शानदार और काफ़ी लंबा चौड़ा शहर है। देख सकते हैं कितनी वीआईपी होटलें हैं और सारी शटर अभी डाउन है क्योंकि अभी सुबह 7 बज रहे हैं और इसलिए कुछ नहीं बिक रहा है। और रोड यहाँ एकदम क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और एक से बढ़ के एक बड़े बड़े मॉल खुले हैं, देख सकते हैं कैफे वगैरह सब हैं। और रात में ही सब यहाँ पर डांस बार की तरह खूब नाच होता है और गाना चलता है। इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय करते हैं, जिस तरह यहाँ इंजॉयमेंट करने के लिए लोग आते हैं। और एक बात बता दें कि काफ़ी ज़्यादा महंगा चीज़ यहाँ पर मिलता है, इंडिया के मुकाबले आप यहाँ हर चीज़ महंगा आपको मिलेगा। और रात में आपको करीबन 2 से 2500 रुपये तक का रूम चार्ज देना पड़ेगा और खाना के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये पर आदमी के लिए पड़ जाएगा क्योंकि काफ़ी महंगा है। और आप उस तरह का खाना अगर खाना चाहेंगे तो और महंगा भी पड़ जाएगा। होटल अगर वीआईपी लेना चाहेंगे तो 10-10 हज़ार रुपये तक का होटल यहाँ पर आपको मिलेगा। और काफ़ी बड़ी सिटी है और होटलों की कमी नहीं है। रात में यहाँ सब नाच गाना हो रहा था, रात का वीडियो मैं डालने वाला हूँ जल्दी। और दिवाली के सीजन में आप आएँ, भैया दूज के 2 दिन पहले आएँ क्योंकि भैया दूज त्यौहार यहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा से मनाया जाता है और बहुत ही बेहतरीन मनाया जाता है। पूरा नेपाल जश्न उल्लास से भरा रहता है। नेपाल शहर बहुत ही शानदार है और पर्यटकों के लिए पोखरा शहर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। पोखरा एक बार ज़रूर घूमें, उसके बाद वहाँ से सीधे काठमांडू के लिए रवाना हो जाएं क्योंकि हम लोग अभी काठमांडू यहाँ से निकलने वाले हैं। और देख सकते हैं हम लोग चरपहिया गाड़ी से हैं और उससे ज़्यादा आपको बाइक से मज़ा आएगा, लेकिन आपको बीच में रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाइक से काफ़ी लंबा सफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम काठमांडू के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि शहर छोड़ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह की सिटी है और रोड वगैरह तो काफ़ी फ़िलहाल अच्छा है। और बगल में हमारे ही पूरा जो झील